हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको बताएंगे कि एमआई का कोई भी सेट को अपडेट कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे देख लेना है कि अबाउट फ़ोन कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है, अबाउट फ़ोन में चले जाएँगे। यहाँ सिस्टम अपडेट पर चले जाना है और यहाँ पे अभी दिखा देगा कि आपका अपडेट आया हुआ है। देखिए अपडेट इतना 206 MB का आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड अपडेट पे कर देना है। और ये डाउनलोड का एक और ऑप्शन मांगेगा, पूछेगा कि डेटा से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम डेटा से डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल के। यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये फ़ोन आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको पता लगेगा कि अपडेट करने के बाद करना क्या होता है। एक्चुअली लोग अपडेट तो कर लेते हैं लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते, फिर बाद में कहते हैं कि मेरा फ़ोन अपडेट नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक मिनट का टाइम लगेगा, इसको अपडेट हो लेने देते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपका फ़ोन अपडेट हो रहा है और ऐसे ही आपका फ़ोन भी अपडेट होगा अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया होगा। ठीक है, और अपडेट करने के बाद क्या करना पड़ता है उसको देख लेना है। तो फाइनली ये फ़ोन आपका अपडेट हो गया और इसका जो डिक्रिप्ट हो रहा है और ये पूछ रहा है कि फ़ोन को रिबूट करना है, तो फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। रिबूट नाउ पे क्लिक करना है एंड ये फ़ोन आपका रिबूट होगा, तब जाके अपडेट आपके फ़ोन में अपडेट होगा। इस फ़ोन का जो अपडेट फाइल होगी वो आपके फ़ोन में तभी अपडेट होगा जब आप रिबूट नाउ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा अभी, ये देखिए आपके फ़ोन में अपडेट फाइल को अपडेट कर रहा है फ़ोन में। तो इस दौरान आपका फ़ोन बंद ना हो, ध्यान रखें कि आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो 50% से अब हो तो अपडेट करें, तो आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा हो सकता है आपका फ़ोन 1 से 2% 10% के और अपडेट के दौरान आपका फ़ोन बंद हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ मेंशन भी किया गया है कि यू वॉन्ट बी एबल टू, तो डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस, ये वार्निंग ऑप्शन दे दिया है कि आपके अपने फ़ोन को इस दौरान बंद ना करें या रिबूट ना करें। ठीक है दोस्तों, तो अब अपडेट होने में भी कुछ टाइम लगता है, तो आप घबराए नहीं कि अपडेट कब से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1-1 घंटे लग जाते हैं अपडेट होने में, तो ये तो कम MB का था इसलिए अपडेट में थोड़ा सा टाइम जल्दी हो रही है। वेट करते हैं जब तक अपडेट होता है ये। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आने वाली नॉइज़ के लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा दोस्तों, बिकॉज मैं अपनी शॉप पे रहता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम या नॉइज़ आती है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। फ़ोन अपडेट हो जाने के बाद कुछ लोगों को पता नहीं होता कि फ़ोन अपडेट करा क्यों जाता है। अपडेट तो कर लेते बट उनको रीज़न नहीं पता होता कि फ़ोन को अपडेट क्यों किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फाइनली आज बताऊँगा कि अपडेट कैसे करना है, वो आप तो जान गए बट आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ोन अपडेट क्यों किया जाता है। फ़ोन कंपनियाँ जब फ़ोन निकालती हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, उसमें फ़ोन में कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं जिसको फ़ोन की कमियाँ को दूर करने के लिए वो कंपनी वाले अपडेट निकालते हैं, और सबके घर घर जाकर अपडेट को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वहीं से ऑनलाइन अपडेट आपके फ़ोन में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंपनियों द्वारा, और जब कंपनियाँ आपके द्वारा फ़ोन में अपडेट भेज देती हैं जो भी कमियां होती है इसके द्वारा फिक्स कर दे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कमियां, ये नहीं कि आपका फ़ोन में डिस्प्ले ख़राब हो गया तो कमी सॉफ्टवेयर की, नहीं, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कमियां होंगी वो अपडेट के जरिए फिक्स कर दी जाएगी। जैसे कि आवाज़ का कम या ज़्यादा नहीं होना, या कैमरे में कुछ इशू, कैमरे का कुछ पोर्ट्रेट मोड अपडेट करना हुआ, या कुछ भी ऐसे जो अपडेट से सही किया जा सकता हो, सॉफ्टवेयर से सही किया जा सकता हो, इसलिए अपडेट डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आप जान चुके हैं कि अपडेट क्यों किया जाए, अपने फ़ोन को अपडेट करने से क्या होता है।
आपके फ़ोन में अपडेट करने से आपके फ़ोन का सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जो भी आपके फ़ोन में सिक्योरिटी के इशू होता है या सिक्योरिटी रीजन से आपका फ़ोन हैक होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ जितना टाइम लग रहा है, उसके बाद ये फाइनली जब हो जा रहा है तब आपको वीडियो को स्किप करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों ये फ़ोन अपडेट हो चुका है। अब फ़ोन अपडेट होने के बाद ये फ़ोन फिर से रिस्टार्ट होगा और फाइनली ये फ़ोन खुल जाएगा, तो दिखाएंगे कि आपका फ़ोन अपडेट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए आपका फ़ोन अपडेट हो चुका है। अपडेट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट फीचर में जाके इसके, तो इस फ़ोन का अपडेट होने के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम को फिक्स हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। ये अब सिस्टम अपडेट पे जाता हूँ और यहाँ पे चेकिंग कर रहा है कि कोई और अपडेट आया हुआ है, तो नहीं अभी इस समय तो कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, देख लीजिए। तो ये नो अपडेट अवेलेबल, तो आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम होगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, वो फिक्स हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।